इस स्पीडो में हम सरवाइव करने वाले 48 घंटे बिना पानी के। गाइस ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। ऊपर से गर्मियों का सीजन है, यहाँ पर दोपहर के टाइम 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। आप सब सोच सकते हो गाइस पानी पीना कितना जरूरी है। ऊपर से गर्मियों के सीजन में 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं बिना पानी के 48 घंटे सर्वाइव करने वाला हूँ। ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। तो गाइस आप सबको मैं रियल टाइम नोट करा देता हूँ। गाइस आप सब देख सकते हो यहाँ पर 5:50 हो चुका है। गाइस यहाँ से हमारा चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस चैलेंज को करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। तो मैंने चैलेंज शुरू कर दिया था। तो मैं ये सोच रहा था ये चैलेंज को कैसे कंप्लीट करूँगा। तो फिर मैंने सोचा जैसे आंटी मौन व्रत रखती है बिना पानी के, मैं भी उसी तरीके से चैलेंज को कंप्लीट करूँगा। तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए मैं मान लिया। सो गाइस आप सबको मैं एक बात बता देता हूँ। गाइस अभी 6 पूरी तरीके से बच चुका है। तो गाइस मैंने ये चैलेंज शाम को इसीलिए स्टार्ट किया, तो दोपहर के टाइम में ये चैलेंज स्टार्ट करता तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती, तो इसीलिए मैंने ये चैलेंज को शाम को स्टार्ट किया। सो गाइस फिलहाल तो मैं बाहर खेलने कूदने के लिए आया हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने। तो सामने ही क्रिकेट खेल रहे हैं मेरे दोस्त लोग। रखोगे? मैं किसके तरफ हूँ? अगले मैच। सो गाइस मैच हो गया खत्म। लगातार 2 मैच हारते हुए बहुत बुरी किस्मत से आ रहे गाइस। शॉट में ही अकेला मारने वाला था इस टीम में, तो बच्चे बच्चे थे तो कोई साथ नहीं दे रहा था, तो मैं ही खेल रहा था। तो मैच हो गया खत्म। अब मिलते हैं घर में जाके, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। प्यास लगी है मेरे को बट पीऊंगा नहीं पानी, तो शाम है अभी ज़्यादा पानी पी लूंगा। तो गाइस शाम का मौसम पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो गाइस दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी था, तो गाइस हवा भी चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो गाइस आप सब सोचो अभी से पानी खत्म हो जाए पृथ्वी का तो क्या होगा? तो गाइस मेरे हिसाब से पृथ्वी बचेगी नहीं पूरी तरीके से। जो मैं भी हूँ, मैं भी 1-2 दिन में मर जाऊंगा। जो पृथ्वी में कितने सारे ढेरों सारे जीवन हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से बिना पानी के। तो गाइस इसी तरीके से हमारे लाइफ में पानी भी बहुत ज़रूरी है, ज़मीन भी बहुत ज़रूरी है, पानी भी बहुत ज़रूरी है, हवा भी बहुत ज़रूरी है, खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस ये 4 तत्व हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बोल रहा था वो कम से कम 18 दिन उसने पानी नहीं पिया। हाँ यू गूगल में है। नहीं भाई अभी नहीं सकता, जो ये मुसलमान के मुसलमान होते हैं जो कुछ रोजा रखते हैं। हाँ हाँ ये पानी नहीं पीते। हाँ नहीं पीते, नहीं पीते ना। अभी बात उनसे पूछ लो कैसे निकल। तो ये चैलेंज मैं कंप्लीट कर लूँगा। हाँ मेरे घर के ऊपर जो एक लड़का रहता था
तो उसने मेरे को कहा है, तो उसने कहा नहीं है, मैंने उससे पूछा था, तो मैंने उससे सवाल पूछा था तो मैंने कितने मिनट तक मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, वो कहता है तुम 24 घंटे तक सर्वाइव इतना कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो मैं बिना पानी पिए 24 घंटा से ज़्यादा सर्वाइव कर सकता हूँ, मेरे को अपने ऊपर यकीन है, तो मैं सर्वाइव करूँगा, तो मैं 24 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव करूँगा बिना पानी पिए। तो बहुत मज़ा आ रहा है ये चैलेंज एक्सेप्ट करके, तो मेरे को अभी प्यास लग रही है, जैसे लग रहा है मैंने बर्त रखा हुआ है, ये बर्त कंटिन्यू है। तो ये बर्त को 48 घंटे बाद खोलेंगे बिना पानी के, तो भूख भी लगी है, भूख बिना पानी के मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ, तो कोई बात नहीं। सो गाइस रात की 11 बज चुके हैं, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, प्यास तो खास भूख नहीं लगी है, थोड़ी थोड़ी प्यास भी लगी है। तो ये चैलेंज स्टार्ट करने से पहले ना मैंने बहुत सारा पानी भी पिया था, तो मेरे को मुसीबत नहीं आएगी। तो मेरे को अभी प्यास लग रही है, जब अभी रात में ही प्यास लग रही है तो सुबह क्या होगा मेरा। तो दो दिन मेरे को बिना पानी के रहना है। ये एक पंछी बैठा है, देखो कितना अच्छी अच्छी आवाज़ निकाल रहा है। आज का सुबह मेरे लिए निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा गाइस, बिना पानी पिए रहे, तो ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट चैलेंज रहेगा। तो आगे भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैं सवेरे सवेरे फिर से सो गया था, अभी टाइम देखता हूँ तो यहाँ पर 11 बज चुके हैं, तो मैं अभी आप सबको टाइम दिखाता हूँ। 11 से ज़्यादा ही हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, 11 से ज़्यादा टाइम हो गया। तो गाइस मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ बहुत ज़्यादा, तो गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है गाइस, बहुत ज़्यादा, तो मेरी एनर्जी लो हो रही है, अभी तक मैंने पानी का एक बूंद का कतरा भी नहीं पिया है, तो मेरा गला बहुत बुरी तरीके से सूख ही जा रहा है। तो मैं इतना ज़्यादा बोर हो रहा था, मेरे को कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा, ऊपर से मेरे को बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा हुआ, तो गाइस इस चैलेंज में क्या है, तो गाइस वेट वेट वेट, तो गाइस इतने देर से मैंने बिना पानी के चैलेंज एक्सेप्ट किया था, बिना खाने के नहीं, तो गाइस इतने देर से, ओ क्या ये गलती हो गई मेरे से। तो गाइस मैं तो खाना खा सकता हूँ ना, मेरे को भूखे रहने की क्या लोड़, तो मैं तो खाना खा सकता हूँ, पानी नहीं पी सकता हूँ तो मैं रोटी खा सकता हूँ, बिस्कुट खा सकता हूँ, चावल नहीं खा सकता, चावल में पानी होता है थोड़ा थोड़ा, तेरी दी। मैं इतने देर से पागल था गाइस, सो सेट यार। गाइस मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, जब आप चैलेंज वीडियो में सर्वाइव कर रहे होते हो उसमें से सबसे अच्छी चीज ये होती है जब आप खाना खाने जा रहे होते हो, बहुत अच्छा लगता है जब आप खाना खा रहे होते हो। गाइस आप सब सोच सकते हो गाइस, आप किसी जगह में फंस जाओ बहुत बुरी तरीके से, ऊपर से आपको भूख लगी हो, बहुत ज्यादा भूख लगी हो, सामने तुम्हारा एक खाना पड़ा हो, तो गाइस आप सबको बहुत खुशी होगी, गाइस वो खाना आप सबको बहुत अच्छा लगेगा,
तो जब आप खाना खा रहे होगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ज्यादा। इसी तरीके से चैलेंज में यही होता है, जब आप सब खाना खा रहे होते हैं ना आपको बहुत हैप्पी फील होता है, बहुत ज्यादा। ये किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है जब खाना खा रहे होते हो। तो गाइस चलता हूँ अभी मैं फिलहाल बिस्कुट खाने के लिए, तो मेरे घर में अभी रोटी नहीं बना है। तो गाइस अभी हम फिलहाल जा रहे हैं बिस्कुट लेने के लिए। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। आप सबको मैं कैसे बताऊँ गाइस, मैंने जब बिस्कुट खाया तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था, जब बिस्कुट ख़त्म हो चुका है तो मैं फिर से स्ट्रेस में पहुँच चुका हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। गाइस ये चैलेंज किसी टॉर्चर से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर है गाइस इसमें। तो गाइस मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख ही जा रहा है। तो मेरे को कोई तो पानी पिला दो यार, कोई तो पानी पिला दे। सो गाइस फाइनली हमारा 24 घंटा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आप सबको यही कहना चाहूंगा, ये चैलेंज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है गाइस, बहुत ज्यादा। तेरे को नहीं पता मैं आगे क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं पता। तो जो भी होगा मेरे साथ अच्छा हो। मेरे को गाइस ऐसा लग रहा है मैं जाके ये चैलेंज को क्विट कर दूं, तो मैं फटाफट से पानी पी लूं। तो गाइस आप सब देख सकते हो हमारा 24 घंटा पूरा होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है, तो देख सकते हो। तो चलो इधर से इधर बैठो। आगे मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला था। मैं शाम को चला गया था मैच खेलने। कुछ टाइम बाद मेरे को एहसास हुआ ये मैच मेरे को भारी पड़ने वाला है चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। समा बीतता गया और ये चैलेंज बहुत डिफिकल्ट होता गया। सो गाइस अभी मैं मैच खेल के अभी जस्ट आया हूँ, तो मैच खेलते खेलते बीच में मेरी पैंट फट गई है, तो अभी हम जा रहे हैं पैंट को चेंज करने के लिए। तो गाइस ये मैच खेल के ना मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया, तो ये मैच खेल के मैं बहुत ज्यादा फट चुका हूँ, तो मैच मेरे को नहीं खेलना चाहिए था। मेरे को गाइस सांस फूल रही है बहुत ज्यादा, तो मेरे को प्यास इतनी ज़्यादा लग रही है ना कहने को बात नहीं है। ये अब ये प्यास मेरे को बहुत ज़्यादा सिर से ऊपर जा रहा है गाइस। तो गाइस मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्यास लगा, बहुत ज़्यादा। ये प्यास मेरे को सहन नहीं हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो प्यास इतना लगा है ना कहने के बाद नहीं, मेरे को अभी भी एक बूंद पानी पिला देना मैं वो पानी पीने के लिए रेडी हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा प्यास लगा। ऊपर से भूख भी बहुत ज़्यादा लगा है। तो गाइस घर में चावल बनाया है, इस चैलेंज में मैं चावल बिल्कुल नहीं खा सकता, चावल में थोड़ा पानी रहता। रोटी बना होता तो मैं रोटी खा लेता, जिससे मेरे को बहुत मदद मिलती।
दोपहर के टाइम में मेरे पास पैसे थे तो मैंने बिस्कुट ले आके खा लिया था। तो अभी इतना भूख लगा ना कहने की बात नहीं है गैस, बहुत ज़्यादा। तो गैस मैंने ना अपना जो थूक होता है ना, मैं वही उसी को अंदर घोटी जा रहा हूँ, बार बार मैं अपने थूक को अंदर घोटी जा रहा हूँ, जिससे ये होगा मेरा गला सूखेगा नहीं जल्दी, आगे जाके मेरे को पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, बिल्कुल नहीं पता, मैं अनदेखा हूँ। तो अभी फ़िलहाल रात हो चुकी है तो मैं सोच रहा हूँ जाके सीधा सो जाता हूँ, सोने के बाद मॉर्निंग में देखेंगे क्या होता है मेरे साथ, आता पता नहीं। देख सकते हो रात के 10:15 हो चुका है, तो ये चैलेंज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो स्टार्टिंग में मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, तो 24 घंटा मैंने जैसे तैसे गुजार लिया, एक दिन गुजारना बहुत ईजी था। तो दूसरे की स्टार्टिंग हो गई है, दूसरे की स्टार्टिंग में मेरी फटना चालू हो चुका है, तो चैलेंज तो मेरे को जैसे तैसे कंप्लीट करना ही है। तो मैं फिलहाल सोच रहा हूँ जा रहा हूँ सोने के लिए, तो मेरी पूरी तरीके से पस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मेरे को भूख प्यास के कारण रात में नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा तड़प रहा था अंदर अंदर से, मेरी आत्मा बोल रही थी मुझको पानी दो पानी दो, मगर मैं इस चैलेंज में फंस चुका था। तो गैस मैं आगे अब बिल्कुल सरवाइव नहीं करने वाला, तो मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका है गैस, बहुत ज़्यादा। तो गैस मेरे को पानी पीना है, अब जिस चैलेंज से क्विट करने का सोच रहा हूँ। तो गैस आप सब देख सकते हो 12:30 होने वाले हैं, तो मात्र 5 मिनट बाकी है 12:30 होने में। तो गैस मैंने कम से कम 1.5 दिन पूरा तरीके से पार कर लिया है, तो मेरे से अब जे सर्वाइव अब बिल्कुल नहीं होगा, तो मेरे को कोई गम नहीं है, मैं 48 घंटे नहीं कंप्लीट कर सका, मेरे को कोई गम नहीं है। तो गैस मेरे को डेफिनेटली पानी चाहिए तो चाहिए, मैं अब यहाँ से आगे सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे को पानी पीना पड़ेगा गैस, पानी पीना पड़ेगा, गला इतना सूखा जा रहा है कहने को बात नहीं है। क्या करूं अंकित, पानी पी लूं मैं? यार अभी तो 18 घंटा बाकी है चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, अंकित अभी पानी मत पी। मेरे को पानी पीना ही होगा, मेरे को बहुत जोर से प्यास लग रही है, क्या करूं मैं? कुछ देर बाद मैंने ये डिसाइड किया, मैंने फाइनली पानी पी लिया है, तो अब मैं इस चैलेंज से क्विट हो चुका हूँ, कोई बात नहीं, मैंने ये चैलेंज को क्विट कर दिया, कोई बात नहीं। गाइस सबसे पहले जान जरूरी है, तो गाइस मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था बिना पानी के, तो मेरे से सहा नहीं जा रहा था, तो मैंने फाइनली यही डिसीजन लेना सोचा,
तो आप सबको यही सलाह है, दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। गैस बहुत ज़्यादा बुरा हालत हो जाता है जब आप बिना पानी के रहोगे तो, गैस चक्कर आने लग पड़ते हैं, एनजाइटी फील होता है, बहुत ज़्यादा महसूस होता है, गला तो बहुत ही ज़्यादा सूखता है गैस, बहुत ज़्यादा। तो गैस आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ, तो ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा। गैस आप सबको एक ही काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे को नहीं पता सब्सक्राइब वाला बटन नप जाना चाहिए, पर जो वीडियो में नमे हैं वो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करे, मुझे नहीं पता वो सब्सक्राइब वाला बटन नप जाना चाहिए। तो फाइनली मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ, लेट्स गो, बाय बाय।